हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने एक पोर्ट्रेट बनाया था, और पोर्ट्रेट का जो टेक्निक था, मैंने आपको बताया था कि सिमिलर साइज़ का, या तो आप प्रिंट आउट ले लो, या फिर आपके पास आईपैड है या फिर टैबलेट है, तो सिमिलर साइज़ का हम पेपर भी लेते हैं, और जैसे जैसे उसका डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर उतार सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया था, और बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया है, और बहुत सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट भी था कि ये चीज़ें तो हो गई आपको जो सिमिलर साइज़ की हो गई, अगर हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से हम चीज़ों को कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये जो मोबाइल का साइज़ होगा वो तो छोटा होगा और पेपर का साइज़ बड़ा है, तो हम कैसे एज्यूम करेंगे कि उसका साइज़ कैसे हम चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम जैसे चीज़ों को हम उतार सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ों के लिए मैं आज का जो ट्यूटोरियल है वो लेके आया हूँ मैं, सबके प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और इसके लिए जो पेपर मैंने लिया है वो है ब्रूस्टो का 160 GSM, और पेंसिल जो है वो है आपका बियानो का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो रेफरेंस लिया है मैंने, तो ये जो रेफरेंस पोर्ट्रेट का है तो आप देख रहे हो, और मोबाइल का साइज़ भी आप देख रहे हो, तो ऑलमोस्ट सभी के मोबाइल इतने साइज़ के होते हैं, जो कि वेरी कॉमन है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो बियानो का पेंसिल है वो 2H ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी हम आउटलाइन करते हैं तो बिल्कुल ही लाइट पेंसिल होता है उससे करते हैं। और एक चीज़ ऐसा है जो बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए भी इजी होगा, वो है स्केल। तो स्केल जो आप देख रहे हो, तो उसको सबसे पहले तो मैं मार्जिन लूँगा कि जो हम जो पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं इसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है, तो इस कुछ सेंटीमीटर हैं, इंचज़ हैं, तो उसमें मैं कैलकुलेट करूँगा। जैसे आप सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम 12 सेंटीमीटर करेंगे तो बात तो वही पड़ जाएगी, जो चीज़ें यहाँ पे हम यहाँ पे उतारने वाले हैं तो ये साइज़ जो होगा छोटा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फुल लेंथ पे हम देखेंगे कि कितना हम कर सकते हैं इसका। अगर हम देखा जाए फुल लेंथ पे तो ये ऑलमोस्ट 24 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल है। तो अब बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसको हम डबल ले लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा है, कि अब जो भी जैसे हम अब लाइन जो है वो परफेक्ट सीधी कैसे होगी, तो यहाँ से जैसे आप देख रहे हो जितना मार्जिन यहाँ पे उतना मार्जिन यहाँ पे छोड़ के हम 24 ऐसे काउंट कर लेंगे। 24 का हम लोगों ने यहाँ पे किया, और सिमिलर जो है सिमिलरली यहाँ पे हम करने वाले हैं कि विड्थ कितना है, तो विड्थ में कुछ 7 इंचेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई बाय 2 14, तो ये हम यहाँ पे कुछ 14 लेने वाले हैं, तो ये 14 यहाँ पे लिया। अभी हम दोनों तरफ से इसका जो मार्जिन है उस मार्जिन पे जो आप देख रहे हो एक ब्लॉक बना लेंगे, जो कि अभी हम तक हम लोगों ने जितने भी वर्टिकल है उसको किया है, अभी वर्टिकली होने के बाद अब हॉरिजॉन्टली भी कर रहे हैं, तो हमारा एक कंप्लीट एक फ्रेम है वो अभी आप देख रहे हो कि बन चुका है। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसका जो सेंटर लाइन है सेंटर नोज़ के पास आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक सेंटर में एक हल्का सा मार्क करके रखा है कि उसके सेंटर में हमें आना ही चाहिए जो नोज़ है वो चीज़ें। तो जैसा अभी आप देख रहे हो कि जो आई लाइन है उसको सबसे पहले हम आई लाइन को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो मोबाइल है वहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कहाँ पे आई लाइन है, तो वही जो एग्जैक्ट उसका डबल जो सेंटीमीटर है वो हम लोगों ने वहाँ पे कॉपी कर लिया। और ये है नोज़, नोज़ जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ऊपर का जो फ्रेम है मोबाइल का उससे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नोज़ और लिप्स। लिप्स का जो सेंटर लाइन है वो भी हमें मिल चुका है यहाँ पे, और ये मिलने के बाद अभी हम इसका जो चिन लाइन है चिन लाइन को भी कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा चिन लाइन भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अभी हम फोरहेड को भी जहाँ से हेयर स्टार्ट होता है वो चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और विड्थ हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पहले ले चुके हैं यहाँ पे जो 9 है, तो ये जो चीज़ें हैं अभी तक जितने भी आप देख रहे हो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पे हम आई को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो आई को भी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, उसके पहले हम हेयर जो है हेयर का जो लाइन है वो हम दे रहे हैं यहाँ पे। और ये जो कंप्लीट जो बॉक्स है जो फेस का जो आउटलाइन है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि कम्प्लीटली अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम एक आउटलाइन यहाँ पे देंगे, और जैसे जैसे चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम इसको जो करेक्शन है वो करते जाएंगे, जो कि अभी आप देख रहे हो कि कंप्लीट एक आउटलाइन है वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि
जो आई लाइन है तो आई लाइन को हम कैसे निकालेंगे, और उसके भी पहले यहाँ पे जो सेंटर लाइन है जो फेस का, जहाँ पे नोज़ लिप्स जब सारे एक लाइन में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हम कंप्लीट करने वाले वो कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आई लाइन जो कि हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो आई को हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक जो आप देख रहे हो कि एक अगर आई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो पूरा फेस जो है वो कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे। तो पहला जो आई है उसका हम लोगों ने मोबाइल के कैलकुलेशन से कि दोनों तरफ का मार्जिन लेके हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और डिवाइडर से अभी हम जैसे देख रहे हो कि एक आई जो का जो कैलकुलेशन है यहाँ पे, एक गैप और जो लेफ्ट आई है वो तीनों का हम लोगों ने साइज़ यहाँ पे किया है। अभी आप कंप्लीट आप देख सकते हो कि तीनों का जो आई है दोनों आई भी कंप्लीट हो चुका है और जो गैप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और ये जो आई है वो कंप्लीट आपको एक पैरेलल लाइन में है, वो कर्व में नहीं है। लास्ट का जो हम लोगों ने बनाया था एपिसोड में तो वहाँ पे आपको थोड़ा डायनामिक था जो फेस था तो थोड़े कर्व में था, तो हम लोगों ने ड्रॉ किया था। यहाँ पे एक लाइन पे है तो हम एक लाइन पे ही ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे भी आप देख रहे हो कि ऊपर के जो रिंकल्स है वो भी हम लोगों ने किया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जो हम करेंगे लेफ्ट को भी सेम ही करेंगे यहाँ पे, और आई बॉल जो है वो भी हम ये यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमारा जो लिप्स है उस पर डिपेंड करता है कि आई बॉल किधर है। तो आईब्रोज़ के लिए हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हो तो एक जो हम लोगों ने मार्जिन लिया है और मार्जिन से थोड़ा सा ऊपर लिया है ऊपर हम लोगों ने आईब्रोज़ को, और आईब्रोज़ में थोड़ी थिकनेस है जो कि हम बाद में करेंगे जैसे जैसे हम करेक्शन करेंगे। और इसके जो कर्व्स हैं आईब्रोज़ के वो भी हम फिर अपडेट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा जो आई है वो कंप्लीट हो चुका है, और नोज़ का जैसे हम कैलकुलेशन जानते हैं कि आई जहाँ से स्टार्ट होती है दोनों का, तो वहाँ उसके जो बीच का जो है उतना ही जो लेंथ होता है वो नोज़ का होता है। तो नोज़ का हम लोगों ने ऑलरेडी जो हाइट है वो कैलकुलेट किया था टेम्प्ररली, अभी हम इसको एक स्टेबल कर रहे हैं उसको फेस पे, और बाकी का जो करेक्शन है वो करेंगे हम जैसे जैसे हम एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो एपिसोड है जो उसको कंप्लीट फॉलो किया लेकिन कंप्लीट मैच नहीं हो रहा, आप जैसे बना ले रहे हो वैसे हम लोगों ने नहीं बनाया। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं अगर कुछ बना रहा हूँ मैं, तो उस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप स्किप करके आगे निकल जाएंगे तो बहुत सारी टिप्स है जो मैं बीच में बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ें निकल जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हो कि लिप्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आई बॉल के नीचे जो है आपको जो लिप्स है माउथ है उसका जो हमारा विड्थ होता है वहाँ तक होता है। अगर ये चीज़ें आपको अगर पता नहीं चलेंगी तो ये चीज़ें आपसे ऑब्वियसली गलत हो जाएंगी चीज़ें। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अपडेट है अभी अगर हमें करना है, अगर आप यहीं तक ही छोड़ दोगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी, जैसे अभी जो जॉ लाइन है और फिर आपका जो चिन लाइन है वो मुझे अभी ज़्यादा लग रहा है, तो उसको भी हम एक बार कैलकुलेट करेंगे, दो बार कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक हम दो तीन बार क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो चीज़ें हमें कंफर्म करनी है कि हाँ आउटलाइन ठीक है, तभी हम शेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, और ये जो वीडियो है वो थोड़ा मैंने स्पीड अप वीडियो है। अगर आपको कंप्लीट इसको स्लो वर्जन में चाहिए जिसमें और आपको डिटेल में बताई जाएगी चीज़ें, जो कि मैंने अभी जो रिकॉर्डिंग की है वो अलग से की है, और इसमें जो रिकॉर्डिंग है पहले से है वो उसमें और भी चीज़ें अलग मैंने बताई हैं, और जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं इस वीडियो में, जाके आप देख सकते हो जो कि मैंने वेबसाइट पे ही रखा है। और वेबसाइट पे जो आप अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत ही बेसिक से तो आप सीख भी सकते हैं। www.sketchbook.abhishek में आप जाके उसको आप एनरोल भी करा सकते हैं, और एक कंप्लीट जो पैकेज है वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा आप सीखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट के हिसाब से आप सीख भी सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम अपडेट करने वाले हैं, तो हम लोगों ने एक कैलकुलेट किया है जैसे भी आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका डबल साइज़ का हम एज्यूम करके यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आउटलाइन है, आउटलाइन पर भी हम लोग ऑलमोस्ट वर्क कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। और एक क्रॉस चेक और हम एक बार और करेंगे जब फाइनल इमेज बन जाएगा, तो एटलीस्ट दो बार हमें करना चाहिए। करने से ये बेनिफिट होता है कि उसके बाद ये जो हमारा जो आउटलाइन है वो रेडी हो जाते हैं और किसी भी शेडिंग के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हमारा जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद अभी जो जितने भी हम लोगों ने किए हैं वो लाइट पेंसिल से किए हैं, तो और जितने भी रेफरेंस लाइन लिए हैं
जैसे आई का लाइन है, नोज़ का लाइन है, और वो सारी जो इन बिटवीन जो चीज़ें हम लोगों ने लिया था उन सबको हम इरेज़ कर लेंगे। और इरेज़ करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको जितने भी मल्टीपल लाइन्स हैं वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि हम जो मल्टीपल लाइन्स हैं उसको ही हम मान लेते हैं कोई परफेक्ट लाइन, अगर उसको भी फॉलो कर लेते तो प्रॉब्लम हो जाती है और जो हमारा फेस है वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ अगर आप उसको पूरा ही देखिएगा, और गलत होने से अच्छा है कि आप ज़्यादा देख लो, वो ज़्यादा बेटर लगता है। और यहाँ पे मैंने स्टेडर का ही शार्पनर यूज़ किया है, तो क्योंकि जैसे जैसे आप अपडेट करते हो अपने आर्टवर्क को वैसे वैसे मटेरियल्स को भी हमें अपडेट करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हो आई का जो हम लोगों ने आउटलाइन यहाँ पे किया, और इसके लिए मैंने जो आउटलाइन के लिए थोड़ा डार्क आउटलाइन के लिए मैं यहाँ पे 2B का यूज़ कर रहा हूँ जो कि बियानियों का है। और यहाँ पे अभी जो आई है वो भी इनकम्प्लीट ही है, जैसे जैसे हम इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे उसको और भी करेक्ट करेंगे हम। और जैसे आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज़ में आप देख रहे हो कि इसमें और भी चीज़ें थोड़ी और विड्थ होगा और हाइट होगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसको हम हमेशा ही जैसे मैकेनिकल पेंसिल से करते हैं तो उससे हम शार्प लाइन देंगे वहाँ पे। तो चीज़ें जो फर वाली चीज़ें होती है, हेयर वाली चीज़ें होती हैं, तो छोटी छोटी जो जो भी चीज़ें होती हैं वो उससे बहुत अच्छी निकलती हैं। तो सिमिलरली हम लेफ़्ट आई को भी वैसे ही करने वाले हैं जैसे हम लोगों ने राइट आई का किया था। और अलाइनमेंट जो है वो दोनों का सेम है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। कैलकुलेट करने के बाद उसको हम लोगों ने वहाँ पे रख लिया है ऑलरेडी। तो थोड़ी बहुत जो शेडो है ये शेडिंग है हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि वो अपर लिप्स लोअर लिप्स जो आई का है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद थोड़े से आईलैशेस भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, कि थोड़ी चीज़ें और मैच हो और हमें गाइडलाइन भी मिले कि हाँ हमें आगे जो करना है तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमें करना है। तो ये आईब्रो भी कंप्लीट हुआ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आई का वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो नोज़ का भी हम कंप्लीट करने वाले हैं अभी। तो नोज़ का जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी करेक्शंस हैं इसमें, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया है इसको, और जैसे भी आप देख रहे हो कि इसको जो नोज़ का है उसका भी आउटलाइन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। और जितना भी होल है जो दो देख रहे हैं आप, तो उसमें मैंने डार्क भी किया है थोड़ा डेप्थ दिखाने के लिए। और जैसे शेडिंग करेंगे उसमें तो हम अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आइडेंटिकली जो हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ कि बाद में जब हम शेडिंग करेंगे तो उसके लिए इजी रहेगा। और बीच का जो आप लिप्स देख रहे हो वो लिप्स का भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो थोड़ी चीज़ें मुझे अभी भी लग रही हैं कि थोड़े अपडेट होने चाहिए, जो कि मैं रेफरेंस में अभी देख पा रहा हूँ। तो मुझे जो थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम लग रहा है जैसे लिप्स में और नोज़ का, तो वो चीज़ें दिख रही है मुझे। और आई और नोज़ के बीच का जो डिस्टेंस है जो वर्टिकली आप देख रहे हो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी लग रही हैं, उसको भी हम एक बार और क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि गलत करने से अच्छा है कि आप दो बार चेक कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इस वीडियो को आप देखिए और आपको पता चलेगा कि चीज़ें इसके आगे भी मैं एक बार और चेक करूँगा, और चेक करने के बाद चीज़ें पता चलेंगी कि चीज़ें और कहाँ कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। तो ये जो फाइनल हम चेक करेंगे उसके बाद हमारा जो पिक्चर है, हमारा जो आर्टवर्क है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा शेडिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो फ्लोज, हेयर के फ्लोज, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हैं। और जितने भी पार्ट्स हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद हम जाएंगे एक और क्रॉस चेक करेंगे एक बार फेस को। तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बार और चेक करूँगा मैं, आई से और नोज़ का डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे पता चलती है कि इसमें थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर है, वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन लेते हैं तो हम कभी कभी अंदाज़ पे ही थोड़ा सा आगे पीछे ले लेते हैं, लेकिन हमें फेस को कंप्लीट मैच करना है तो एग्जैक्ट वहाँ पे अगर हम लेते हैं तो कम्प्लीटली फेस मैच होता है यहाँ पे। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि नोज़ जो है वो थोड़ा जो मुझे हाइट लग रही थी ज़्यादा, वो चीज़ें हम मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। और वैसे ही अगर हम लोगों ने नोज़ को ऊपर लिया तो ऑब्वियसली लिप्स जो है वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन हम लोगों ने सेम रखा था, डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने सेम जो रेफरेंस लिया उसके जैसा ही रखा था। तो नोज़ करेक्ट होने के बाद फिर हम लोगों ने लिप्स को भी वहाँ पे ही रखा।
तो अभी जो चीज़ें हैं वो पहले से और ज़्यादा अभी मैच होने लगी हैं। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि जॉ लाइन और देख रहे हो लिप लाइन, तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। जॉ लाइन जो है वो पहले से ही परफेक्ट है। हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो था उसको ही हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको शेडिंग करके बताऊंगा मैं कि इसमें कैसे हम परफेक्टली शेडिंग कर सकते हैं, और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।